और आइए और अब आइए हम ठाकुर जी की चरण चौखट पर पहुँचे और उन्हें अपने हृदयस्थ कुसुमों को अपने हृदय को समर्पित करें। ठाकुर जी को माला अर्पण करने के लिए, पुष्प माला अर्पण करने के लिए मैं निवेदन करता हूँ डॉक्टर शिव त्रिपाठी महोदय से कि वे ठाकुर जी के पूजन एवं हमारी गुरु पंक्ति के पूजन में जुड़ें। डॉक्टर शिव त्रिपाठी हम सबके उत्तरवर्ती होकर के डॉक्टर शिव त्रिपाठी महोदय ने ठाकुर जी एवं हमारे गुरु पंक्तियों को पुष्पमाला अर्पित की, हम धन्यवाद करते हैं। आप लोगों तक चंद सेकंडों में मिलने वाली लिंक के माध्यम से हम YouTube से यह जीवंत प्रसारण देख ही रहे हैं और प्रसारित कर ही रहे हैं, जिसे हम शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक का तो कहना ही क्या, चूंकि आप सभी लोग आत्मीय को इतनी लाइक करते हैं तो इस चैनल की ये छोटी सी लिंक और लाइव प्रसारण का तो कहना ही क्या है ना। समस्त गंधर्व गणों के साथ माँ शारदा जब वीणा वादन कर रही होंगी तब उनकी कंठमाल से निसृत होता हुआ मोती धरती पर आ गिरा होगा और यह जो मोती है वह हमारी डॉक्टर किंजल दीदी के हृदय में प्रस्थापित हो गया होगा। माँ सरस्वती की कंठमाल की मोती की लड़ियों के प्रकाशित मोती की स्वरूपा डॉक्टर किंजल दीदी को प्रार्थना कराने के लिए हम धन्यवाद करते हैं। हम सभी लोग करतल ध्वनि से इनका धन्यवाद करें। और कार्यक्रम के आगे के दौर को बढ़ाते हुए मैं एक उत्कृष्ट तबला वादक और हमारे आत्मीय के शिक्षक दीपक सर से निवेदन करता हूँ कि वे आगे के कार्यक्रम के दौर को आगे बढ़ाएं और संचालन और मंच संचालन मैं इन्हें सौंपता हूं। आप सभी लोगों का धन्यवाद। थैंक यू वशिष्ठ। वैसे हम सब लोग जब भी सुबह वशिष्ठ सर को सुनते हैं तो इतना आनंद होता है, इतनी अच्छी तरह से उनकी स्पीच होती है कि हम सब लोग खुशखुशहाल हो जाते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं उनकी स्पीच से, सब लोग इनके प्रति आदर भी रखते हैं। थैंक यू वशिष्ठ सर, संस्कृत के माहिर है। वैसे जो कार्यक्रम आज सब लोग देख रहे हैं यहाँ के आत्मीय टैलेंट शो है और हमारे वशिष्ठ सर ने भी बताया कि यहाँ जो भी बैठे हैं वो प्रोफेसर है, काफ़ी ऊंची पदवी पे वो काम कर रहे हैं लेकिन आज वो अपने अंदर छिपी हुई एक कला आपके सामने पेश करने आएंगे। वैसे संगीत हर एक के दिलों में होता है। हमारे जो संगीत के गुरु जो है वो ऐसे बोलते थे कि संगीत में तीन कक्षा होती है। सबसे पहली गाना है वो उत्तम है, मतलब कि फर्स्ट उसने गाने को बोला है। दूसरा है बजाना यानी कि रिदम सेक्शन, वो मध्यम है। और तीसरा नृत्य जिसको वो कनिष्क कहते हैं, मतलब कि सबसे तीसरा कम वो उसने नाचने को बोला है, मतलब जो फिल्मों का डांस है वो ही। क्लासिकल डांस को हम यहाँ शामिल नहीं करते हैं। वैसे सभी के दिलों में संगीत विराजमान है, कई लोग गाते भी होंगे अपने घर में और कोरोना के बाद तो हर घर में एक एक सिंगर हो गया है जो कराओके ट्रैक में अभी तो गाते हैं और आज भी यही कराओके ट्रैक में हम सब लोग आपके लिए गाना पेश करेंगे। बहुत ही मनोमंथन के बाद हमने तय किया है कि पहला गाना मंथन सर से ही गाएंगे, तो मैं निवेदन करता हूं डॉक्टर मंथन जोशी जी को कि जो यहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर
एंड डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, फैकल्टी ऑफ बिजनेस एंड कॉमर्स के जुड़े हुए हैं, वो आपके लिए एक प्यारा सा गाना वो भी गिटार के साथ बजाएंगे। ज़रा ज़ोरदार तालियां तो हो जाए, क्योंकि हम सब कलाकारों के पास कुछ ज़्यादा बैंक बैलेंस तो नहीं होती, बस आपका प्यार और आपकी तालियां ही हमारी बैंक बैलेंस होती है। तो कृपया जब भी कोई, थैंक यू, मुझे पता ही था कि इतना सुग्न ऑडियंस आज हमको मिला है कि आज हमारी सबकी परीक्षा होने वाली है, लेकिन गिटार बजाना देखना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बजाना उतना ही कठिन ये साज है, क्योंकि हर एक तार को सुर में मिलाना पड़ता है, क्योंकि अगर एक भी सुर गलत निकले तो सुनने में भी मज़ा नहीं आता और गाने में भी मज़ा नहीं आता, क्योंकि ये सभी तार हमारी जिंदगी से जुड़ा हुआ है, इसलिए हमारी जिंदगी का हर एक सुर भी बेसुर नहीं होना चाहिए। हमारे परिवार में जितने भी लोग हैं वो एक एक सुर है, वो सभी सुरों को अगर हम मिलाते तो भी हमारा गाना, हमारा फैमिली का गीत अच्छी तरह से बाहर निकलेगा। इसी तरह ये गिटार भी हमें सुर में मिलाना लगता पड़ता है, साथ में इफेक्ट भी ली है। मैं इससे पहले आपके लिए हमने एक अलग सी क्विज रखी है, और ये क्विज के लिए मैं बाद में आपको डिक्लेयर करूंगा, लेकिन अभी जो गाना आपके सामने पेश करने जा रहे हैं हमारे डॉक्टर मंथन जोशी साहब, फिल्म का म्यूजिक दिया है हेमंत कुमार जी ने और गाया भी हेमंत कुमार ने है, लिरिक्स लिखे हैं शकील बदायूनी ने, बड़ा प्यारा सा गाना है जो कि विश्वजीत और वहीदा रहमान पर यह फिल्माया गया था, बड़ा प्यारा सा गाना, बड़ी सुपर डुपर हिट फिल्म उस जमाने में रही थी। इस फिल्म के सभी गाने सुपर डुपर हिट रहे थे, और अगर आपको याद हो तो उस जमाने में बिना का गीत माला बजता था सिलोन रेडियो पे, वहां भी ये गाना टॉप फाइव में रहा करता था। आइए, अगर मंथन सर रेडी है तो ये गाना इनकी आवाज में हम सुनते हैं। हेलो, चेक, साउंड चेक, वन टू चेक, हेलो चेक, हेलो हेलो साउंड चेक, वन टू चेक, हेलो। सो व्हेन आई वाज लर्निंग गिटार एंड सिंगिंग, मेरे जो म्यूजिक के गुरु थे मुझे कहते थे, अ सिंगर सिंग्स बट अ परफॉर्मर सरप्राइजेस। सो आई हैव पिक्ड फ्यू सरप्राइजेस, जो म्यूजिशियंस हैं जो संगीत की नॉलेज रखते हैं उसको भी ये सरप्राइजेस अच्छे लगेंगे, और जिसको सिर्फ संगीत सुनना अच्छा लगता है उसको भी ये सरप्राइजेस अच्छे लगेंगे। बेकरार करके हमें यूं ना जाइए, आपको हमारी कसम लौट आइए। बेकरार करके हमें यूं ना जाइए, आपको हमारी कसम लौट आइए। ला 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 ला। देखिए वो काली काली बदलियां, जुल्फ की घटा चुरा न ले कहीं, चोरी चोरी आके शौक बिजलियां, आपकी अदा चुरा न ले कहीं। यूं कदम अकेले ना आगे बढ़ाइए, आपको हमारी कसम लौट आइए। ला 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 नखरे वाले, हाँ नखरे वाले, नखरे वाली, देखने में देख लो है कैसी भोली वाली, हाँ।
अजनबी ये छोरियां दिल पे डाले डोरियां, अजनबी ये छोरियां दिल पे डाले डोरियां, मन की खाली वो तो कोई और थी जो आंखों से समा गई दिल में, अरे वो तो कोई और थी जो आंखों से समा गई दिल में, इड़लिए उसका कोई पैच भी ढीला है, तन भीगा है सर गीला है, उसका कोई पैच भी ढीला है, चलती रुकती तनती झुकती निकली अंधेरी रात में, मिली एक अजनबी से कोई आगे न पीछे, तुम ही कहो ये कोई बात है, मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है, अफसोस ये है कि वो हमसे उखड़ा उखड़ा रहता है, मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है, अफसोस ये है कि वो हमसे उखड़ा उखड़ा रहता है। Thank you very much. You got the surprise? So actually the lyrics was मेरे सामने वाली खिड़की में, but the tune was एक लड़की भी, so it goes, you know, hand in hand. So that was the surprise for all those who are into music, and the mashup was the surprise for those who are not into the music, but they enjoy listening. Thank you so much for being so nice. Thanks, sir. Sir, really, it is a very surprise. क्योंकि गाना शुरू किया हेमंत दास से और पूरा किया किशोर दास से. हालांकि दोनों बंगाली है लेकिन दोनों की स्टाइल अलग है और गिटार में जो आपने रिदम में चेंज करके फिर भी गाने की ट्यून सही रखी, रियली काबिल है, जरा जोरदार तालियां हो जाए इस चीज के लिए, क्योंकि गिटार के साथ गाना ये काफी मुश्किल काम है. फिल्मों में तो दिखता है ऐसा, गिटार सब लोग बजाते हैं लेकिन उसमें तार नहीं होते, ऐसे ही गिटार सब लोग बजाते हैं, लेकिन यहाँ गिटार के साथ मंथन सर ने रियली अप्रिसिएट वर्क किया. किशोर दा का ही अगर गाना चला है तो क्यों ना हम एक अगला गाना भी किशोर दा से सुने. मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे स्पोर्ट्स विभाग के जो एक जुड़े हुए हमारे सदस्य हैं राजेंद्र परमार, राजेंद्र परमार साहब को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो यहाँ स्टेज पे आए. वैसे ये किशोर दा के गाने अच्छे गाते हैं और काफ़ी वन मैन शो भी किए हैं उसने, मुझे पता है. गाना भी उसने चुना है, प्यारी सी फिल्म थी और फिल्म के हीरो थे राजेश खन्ना साहब की सुपर डुपर हिट फिल्म, और गाना लिया है उसने ये शाम मस्तानी मदहोश किए जाए. सौथी पहला तो मारा आत्मीय समाज ने सौ ने जय स्वामीनारायण अने एक गणपति दादा नो मंत्र बोली अने पछी आपणे किशोर कुमार नु गीत सांभळीए. वक्रतुंड महाकार सूर्यकोटि सम प्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा.
ये शाम मस्तानी मदहोश किए जा मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओ लिए जाए ये शाम मस्तानी मदहोश किए जा मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओ लिए जा मेरे पास आती नहीं होठों पे तेरे कभी प्यास आती नहीं ऐसा लगे जैसे कि तू हंस के जहर को ही पिए जाए शाम मस्तानी मदहोश किए जाए मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओ लिए जा बात जब मैं करूं मुझे रो देती है क्यों तेरी मीठी नजर मुझे तो देती है क्यों तेरी हया तेरी शर्म तेरी कसम मेरे होठ सिए जाए शाम मस्तानी मदहोश किए जा मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओ लिए जा एक रूठी हुई तकदीर जैसे कोई खामोश ऐसे है तू तस्वीर जैसे कोई तेरी नजर बन के जुबा लेकिन तेरे पैगाम दिए जाए शाम मस्तानी मदहोश किए जाए मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओ लिए जाए ये शाम मस्तानी मदहोश किए जाए मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओ लिए जाए थैंक यू सबने मारा जय स्वामी नारायण यह गीत अपने आप में एक प्रार्थना गीत है जो कहता है कि डोर जो भक्ति की हो जाती है तो ये हमें ईश्वर की ओर भी ले जाती है वो हमारे हाजिर भी है और हमारे दिलों के अंदर छिपा हुआ भी है वो नजदीक भी है और दूर भी मतलब कि कोई भी गाना अगर हम ईश्वर के स्वरूप में देखा जाए तो वो हर एक गीत ईश्वर के लिए प्रार्थना ही है अब मैं बुलाने जा रहा हूं हमारी एक और गुलुकारा वैशाली व्यास जी से मैं विनती करता हूं कि वो यहां आएंगे और वो एक गाना आपके सामने पेश करेंगे जो कि वो हमारे
टीचिंग असिस्टेंट है, सीएस और आईटी सेक्शन से जुड़ा हुआ है। तो मैं निवेदन करूंगा वैशाली जी व्यास के लिए कि वो प्यारा सा गाना आपके लिए पेश करें, और इस गाने में एक क्विज मैं इस गाने के बाद आपको दूंगा। ऑडियंस में माइक रखा है हमारा साथीदार, वो अगर जिसको भी ये क्वेश्चन आएगा वो अपना हाथ जरूर उठाना, हमारे असिस्टेंट आपके पास पहुंच जाएंगे। अगर आपका सही जवाब होगा तो आपको एक सरप्राइज गिफ्ट यहाँ से हमारे कोठारी सर देंगे। आइए पहले ये गाना सुनते हैं। धन्यवाद वैशाली जी। हमारे आत्मीय विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर एवं आत्मीय ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के अभिन्न अंग डॉक्टर श्री शिव त्रिपाठी से निवेदन है कि वह हम श्रोताओं एवं गायकों सभी लोगों को उद्बोधित व प्रेरित करें। श्रीमान शिव त्रिपाठी महोदय। नमस्कार और बहुत ही शुभ संध्या। आत्मीय विश्वविद्यालय की हमारी सम्माननीय प्रो चांसलर मैडम प्रोफेसर डॉक्टर शीला रामचंद्रन जी, सर्वोदय केलवानी समाज के ट्रस्टी श्री
किशोर भाई मावड़िया जी, आत्मीय स्कूल से स्वस्तिक दीदी, मेरे विश्वविद्यालय के साथी सभी, डॉक्टर व्यास, श्री आचार्य जी, डॉक्टर शुक्ला, डॉक्टर कोठारी, प्रतीक जी और सभी आत्मीय स्वजन, आत्मीय परिवार के जितने सारी संस्थाओं के और उनके परिवार के सभी स्वजन, आप सभी लोगों का परम पूज्य त्याग वल्लभ स्वामी जी के की ओर से मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। इतनी बढ़िया संध्या है, इतने टैलेंटेड लोग यहाँ पर मंच पर हैं और इस बीच में मुझे एक जैसे आर्ड की तरह से बुला लिया गया जो है, तो मैं स्वागत के अलावा ज़्यादा कुछ यहाँ भाषण नहीं दूंगा ताकि ये प्रक्रिया चलती रहे, लेकिन दो शब्द आपसे ज़रूर कहूँगा जो मेरे हृदय का उद्गार है। आज इतनी प्रसन्नता हो रही है इस सुखद अवसर पे देख के कि हमारा आत्मीय परिवार कितना बड़ा है और कितना जागृत है। ब्रह्म स्वरूप हरिप्रसाद स्वामी जी का जो स्वप्न था, जिसको परम पूज्य त्याग वल्लभ स्वामी जी ने पिछले 4 दशकों में अपनी अथक साधना से, आज इस स्वरूप में हम उनकी साधना से आ गए हैं कि आज यह सुखद क्षण हम लोग अनुभव कर पा रहे हैं। इसलिए आप सभी लोगों को बधाई और आप सभी लोगों की ओर से मैं स्वामी जी का और उनके चरणों में ये धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि इसी तरह से उनके आशीर्वाद से हम सभी आगे ऐसे बढ़ते रहें। आप सब लोग, जितनी भी आत्मीय विश्वविद्यालय की प्रगति है, आत्मीय संस्थान की जितनी प्रगति है, स्कूल 25वें वर्ष में है, आप सभी उसका आधार हैं। कुछ लोग परोक्ष रूप से जो हमारे साथ काम कर रहे हैं और आप सभी लोग उनकी शक्ति हैं जो अपरोक्ष रूप से उनको बल दे रहे हैं। इसलिए मैं आत्मीय परिवार की तरफ से आप सभी को एक बार पुनः आभार व्यक्त करता हूं और मैं अपने साथी आशीष भाई को बुलाऊंगा। परम पूज्य त्याग वल्लभ स्वामी जी ने एक संदेश आप लोगों के लिए भेजा हुआ है, आप आएँ और उस संदेश को पढ़ें। धन्यवाद। His Divine Holiness परम पूज्य हरिप्रसाद स्वामी जी महाराज, परम पूज्य प्रेम स्वरूप स्वामी जी महाराज, our guide, mentor, और सर ने जिसकी अभी बात की कि पिछले 35 years से जिन्होंने ये संस्था कहीं पे भी नहीं थी और यहाँ पे लेके आई, जिसका ये विजन है, वैसे हमारे गुरु और हम सब का ध्यान रखने वाले परम पूज्य त्याग वल्लभ स्वामी जी, प्रो चांसलर डॉक्टर शीला रामचंद्रन, वाइस चांसलर सर डॉक्टर शिव त्रिपाठी, माय गुरु डॉक्टर डी डी व्यास सर, महोदया सर, आचार्य सर, शुक्ला सर, कगथरा सर, विशाल खासगीवाला सर, ऑल फैकल्टी मेंबर्स एंड देयर स्ट्रेंथ्स हु हैव केम टुगेदर विथ द फैमिली मेंबर्स। तो अनफॉर्चुनेटली जैसे हमको सबको पता था कि दिस प्रोग्राम वॉज अरेंज्ड ऑन 23rd ऑफ मीन्स द डे बिफोर यस्टरडे, बट देन स्वामी जी का ऐसा था कि मुझे तो ये प्रोग्राम में आना ही है, सो वी हैव शिफ्टेड दिस प्रोग्राम टू टुडे, बट देन अनफेवरेबल सर्कमस्टांसिस के कारण, उनकी तबीयत के कारण वो वहाँ से नहीं निकल पाए, लेकिन उन्होंने एक संदेश भेजा, सो आप सबके सामने वही संदेश मैं रख रहा हूं। स्वामी जी के हस्ताक्षर से है। आत्मीय परिवार के स्वजन, नमस्कार, जय श्री स्वामी नारायण। आत्मीय की परंपरा का निर्वहन करते हुए आप सभी ने साथ मिलकर विघ्नहर्ता सुखकर्ता गणपति महाराज का स्थापन किया है और उत्साहपूर्वक सभी कार्यक्रमों में सहयोग दे रहे हैं, वह आत्मीयता का परिचायक है। आज गणपति महोत्सव के उपलक्ष में आत्मीय परिवार के लिए प्रतिभा शोध कार्यक्रम का आयोजन साधुवाद के पात्र है। ऐसे आयोजन से हमारे परिवार के सदस्यों की प्रतिभा से सब अवगत होते हैं और साथ साथ परिवारों में भी अपनी
पहचान बनती है जो आगे जाकर आत्मीयता में परिवर्तित होती है। परिवार और कार्यस्थल में सभी से आत्मीयता हमारे व्यक्तिक और व्यवसायिक जीवन की गुणवत्ता वर्धमान रखने में अहम भूमिका निभाती है। ईश्वर ने हम सभी को कोई ना कोई भूमिका प्रदान करते हुए यह धरातल पर भेजा है। यह भूमिका को समझने और उसे ठीक से निभाने में कई बार हम अपने आप को खो देते हैं। यह बात ध्यान में रखते हुए प्रभु हमें ऐसे अवसर प्रदान करते हैं जिसमें हमारी निहित प्रतिभा अभिव्यक्त हो सके, हम अपने आप को मिल सके। आज का यह प्रतिभा शोध कार्यक्रम ऐसा ही ईश्वर दत्त अवसर है। आज संगीत, नृत्य, नाटिका, साहित्य, खेल आदि विभिन्न क्षेत्रों की प्रतिभाओं में दर्शन में सभी आनंदित होंगे। साथ साथ कुछ ना कुछ उपहार का भी प्रबंध किया गया है। ऐसे ही आनंद के अवसर पर हमारी मन मस्तिष्क की बैटरी को रिचार्ज कर देते हैं। हमारी संस्कृति के आदर्श सहवीर्यम करवा वहे को साकार करने में अग्रेसर हो सकते हैं। हरिद्वार में धर्म कार्य हेतु रुकने का कारण आपसे मिलने का और आपकी अभिव्यक्ति के दर्शन श्रवण का अवसर आज नहीं मिला है, क्षमा करें। आज आत्मीय यूनिवर्सिटी की प्रो चांसलर प्रोफेसर शीला रामचंद्रन जी, उपकुलपति डॉक्टर शिव त्रिपाठी जी, कुलनायक डॉक्टर जयेश देशकर जी, प्रिंसिपल डॉक्टर केडी लाडवा जी और सभी फैकल्टीज एवं संस्थानों के नेतृत्व की उपस्थिति में यह आयोजन को गरिमा प्रदान की है। हमारे अध्यक्ष परम पूज्य प्रेम स्वरूप स्वामी जी महाराज ने भी यह कार्यक्रम के विषय में जानकर अपनी प्रसन्नता व्यक्त करके आशीर्वाद प्रेषित किए हैं। सभी का सदैव मंगल हो, ऐसी ही यही ठाकुर जी और ब्रह्म स्वरूप हरिप्रसाद स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में प्रार्थना है। साधुवाद साधु त्याग वल्लभ दास। जय स्वामी नारायण। पाचड़नी साइड जो ऊभा छे तो अहीं आगळ घणी बधी सीट्स खाली छे, अहीं पण खाली छे, आगळ पण घणी बधी खाली छे, तो वच्चे वच्चे सीट्स खाली हशे तो आप आगळ पधारशो एवी नम्र विनंती छे। घणी वच्चे वच्चे खाली छे। बढ़िया संध्या एवं सूर के बीच आप श्री महानुभाव के शब्द हमें जागृत कर रहे हैं महोदय। आत्मीय विद्यालय आज 25 वर्ष में यानी कि युवानी के द्वार पर खड़ी है। इस समय और इस अवसर पर आपके शब्द सोने में सुगंध को मिश्रित कर रहे हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं श्री शिव त्रिपाठी सर। साथ साथ हमें परम पूज्य श्री त्याग वल्लभ स्वामी जी महाराज के आशीर्वाद प्राप्त हुए जिनकी रत्न कणिकाएं हैं कि गणपति के पूजन के अवसर पर जो कि न केवल विद्या के देवता हैं साथ साथ संगीत के देवता भी हैं। आत्मीयता का गुण वैयक्तिक एवं व्यावसायिक गुणों का आदान हो और इससे आत्मीयता हम सभी लोगों के हृदय में बसे, यह आत्मीय का नम्र प्रयास है। हम अपने आप को खोज सके ऐसा अगर कोई अवसर मिला हो तो यह है आत्मीय टैलेंट शो। चूंकि आदमी का परम एवं चरम लक्ष्य ही अपने आप को पहचानना एवं अपने आप को खोजना है, इसलिए श्री शंकराचार्य जी महाराज ने कहा था कि कस्त्वम कोहम कुत आयातः को मे जननी को मे तातः इति परिभावय सर्वमसारम विश्वम त्यक्त्वा स्वप्न विचारम। इस विश्व को सपने की भांति देखें और हम कौन हैं, कहां से आए हैं और कौन हमारी जननी है और कौन हमारे पिता हैं, यह बात को हम याद रखें। हमारी जननी ही हमारा शरीर है और हमारे पिता ही परम पिता है। उस तक पहुंचने का यह अवसर मानो अपने आप में एक सोने के सुगंध में मिश्रित और प्रेरित कर रहा है। साथ साथ हमें परम पूज्य श्री प्रेम स्वरूप स्वामी जी महाराज के भी आशीर्वाद मिले। चूँकि परम पूज्य श्री त्याग वल्लभ स्वामी जी यहाँ पर धार्मिक कार्यों की वजह से पहुँच नहीं सके हैं, परंतु सहवीर्यम करवा वह एवं संवो मनामसी जानताम, यह ऋग्वेद की सुक्तियों को उजागर करने का और सार्थक करने का यह जो आत्मीय का प्रयास है, उसी प्रयास को और उसी लक्ष्य को उपलक्षित करते हुए आज हम सब एकत्रित हुए हैं। हम बड़े धन्य हैं और बड़े बड़ भागी हैं हम कि हमें परम पूज्य श्री त्याग वल्लभ स्वामी जी महाराज के आशीर्वाद, परम पूज्य श्री प्रेम स्वरूप स्वामी जी महाराज के आशीर्वाद एवं परम पूज्य श्री हरिप्रसाद स्वामी जी महाराज के आशीर्वाद नित्य
हर क्षण मिल ही रहे हैं, एवं डॉक्टर शिव त्रिपाठी, डॉक्टर शीला रामचंद्रन, पूजा स्वस्तिक दीदी जैसे महानुभावों का भी हमें अहर्निश मार्गदर्शन भी मिलता ही रहता है। हम सभी आप महानुभावों को धन्यवाद करते हुए, परम पूज्य श्री प्रेम स्वरूप स्वामी जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए, हम सभी अपने हृदय से परम पूज्य श्री त्यागवल्लभ स्वामी जी महाराज के चरणों को प्रणाम करते हुए उन्हें धन्यवाद कहते हैं। धन्यवाद। थैंक यू वशिष्ठ सर। दोस्तों, मैंने आपसे एक बात बताई थी कि हम एक क्विज करने वाले हैं, तो जो पहला गाना पेश किया था वैशाली व्यास जी ने, उसके लिए मैं क्विज आपको देता हूं। जिसको भी उसका उत्तर मालूम हो वो अपने हाथ ऊपर करे, और यहां जो मेरे दोस्त माइक लेके खड़े हैं वो आपके पास आ जाएंगे। मेरा क्वेश्चन ये है कि हाँ हंसी बन जाए जो गाना पेश किया गया था, जो इमरान हाशमी और विद्या बालन के ऊपर फिल्मांकन किया गया था, उस फिल्म का संगीतकार कौन है? गूगल में मत देखना है, ये पहले बता देता हूं। गूगल में देख के आंसर नहीं देना है, क्योंकि आप सब लोग काफी पढ़े लिखे हैं, मैच्योर्ड है, तो ये बच्चे जैसी हरकत मत करना। गूगल में देखना नहीं है, किसको पता है इस फिल्म का म्यूजिक डायरेक्टर कौन था? अच्छा, यहाँ पे है, हेलो, ये है हमारी अधूरी कहानी की जीत गांगुली ने म्यूजिक दिया है, राइट। ओके, यहाँ नहीं, ये तो सिंगर है, उसने म्यूजिक नहीं दिया है। और कोई गिफ्ट मिलने वाला है आपको? हाँ जी, कोई बात नहीं, यहां से बोल दो, सुनाई देगा। नो, ये फिल्म कहानी का गाना था और उसका म्यूजिक दिया था। अच्छा, और कोई है? अमित मिश्रा। यस, हु इज टेलिंग? अमित मिश्रा इज द राइट आंसर। જેમણે નામ આપ્યું, જે આન્સર આપ્યો છે એમનું નામ અને એમને અહીંયા ઝડપથી આવી જાઓ સ્ટેજ પાસે। ગીતા લાલૈયા। ગીતા લાલૈયા, અચ્છા, આપ કયા સ્ટાફ મેમ્બરના આમંત્રણથી આવ્યા છો? અમારા કોઈ ફેકલ્ટીના આમંત્રણથી? આત્મીય સ્કૂલ, સીબીએસઈ। ઓકે ઓકે ઓકે, ધીસ ઇઝ અ ગુડ આન્સર, વેરી ગુડ આન્સર, ઇટ્સ અ વેરી ટફ આન્સર। ભાઈ, જોરદાર તાળીઓ તો પાડો, આપણને તો જવાબ નથી આવડ્યો, પણ જેમને આવડ્યો છે એમના માટે આપણે જોરદાર તાળીઓ પાડીએ। હા, અહીંયા અમારા સ્વસ્તિ દીદી પાસેથી તમે ઇનામ લઈ શકો છો, પ્લીઝ જરા ઝડપથી આવી જજો। નેક્સ્ટ સોંગ માટે આ રિક્વેસ્ટ ટુ ડોક્ટર ધવલ વરાસ સર, અસિસ્ટન્ટ પ્રોફેસર ઓફ ઇલેક્ટ્રોનિક એન્જિનિયરિંગ કે સાથ જુડે હુએ હૈ ઓર ઉસકા સાથ દેને કે લિયે આ રહે હૈ ડોક્ટર મૌસમી દાસ, जो कि वो भी असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के साथ जुड़ा हुआ है। ये दोनों मिलकर, मजे की बात तो ये है कि ये दोनों साइंस के स्टूडेंट हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर से जुड़ा हुआ है और दूसरा माइक्रोबायोलॉजी के साथ जुड़ा है, लेकिन गाना जो चुना है उसने काफी अलग है। मैं आपको बता दूं, 1992 में रिलीज हुई थी यह फिल्म, और फिल्म का किरदार निभाया था आमिर खान, आयशा जुल्का और कुलभूषण खरबन। भारी भूख लगी है। और गाना चुना ये दोनों ने, कितने सीरियस लग रहे थे वो दोनों। गाना चुना स्टूडियो में मैं आप लोगों को बताया कि बहुत देर और कुछ जरूर कर दे, नारायण और साथ लाइक करने से ये गाना गाया था, डायरेक्टर किया था। क्या होगा कि अक्सर कर रहे हैं आपको या फिर गाली वगैरह दे रहे हैं, इंस्टाग्राम वाला 3 डॉट्स का, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप लोग क्लिक करेंगे यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है टर्न ऑफ कमेंटिंग, ठीक है, सो इस पे आपको क्लिक कर देना है टर्न ऑफ कमेंटिंग। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, आपके जितने भी कॉमेंट्स है सब ऑफ हो गए।
पहला नशा पहला खुमा नया प्यार है नया इंतजार कर लूं मैं क्या अपना हाल ऐ दिले बेकरा मेरे दिले बेकरा तू भी बता पहला नशा पहला खुमार उड़ता ही फिरूं इन हवाओं में कहीं या मैं झूल जाऊं इन खताओं में कहीं हो उड़ता ही फिरूं इन हवाओं में कहीं या मैं झूल जाऊं इन खताओं में कहीं एक कर दो आसमान जमीन कहो यारो क्या करूं क्या नहीं पहला नशा पहला खुमार नया प्यार है नया इंतजार हाँ कर लूं मैं क्या अपना हाल दिले बेकरा मेरे दिले बेकरा तू ही बता पहला नशा पहला खुमार भाई जोरदार तालियां होनी चाहिए इसलिए कि ये गाना सचमुच में गाने में इतना टेढ़ा है क्योंकि पहले तो जतिन ललित सर ने कंपोज किया है। मैं जरा बता दूं आपको जतिन ललित के बारे में कि वो आरडी बर्मन साहब के असिस्टेंट थे। हमारे फिल्म इंडस्ट्री में बहुत ही कम म्यूजिक डायरेक्टर ऐसे हैं कि जिनका गाना इतना कठिन होता है और स्टेज पर बजाना और गाना और कठिन होता है। इसमें से एक एस डी बर्मन साहब, आर डी बर्मन, मदन मोहन, सलील चौधरी साहब और जतिन ललित। तो ये गाना जतिन ललित कंपोज के थे, इतना उतार चढ़ाव उसमें आता है और दोनों ने जबरदस्त गाना गाया और खास तौर से धवल सर जो, क्योंकि गाने में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है गाने का ठहराव। अगर वो चीज नहीं होती तो हमें गाना सुनने मजा नहीं आता। ये दोनों के लिए जरा जोरदार और तालियां हो जाए। बहुत बढ़िया गाना पेश किया और अब जरा दिल थाम के बैठिए क्योंकि अब आपके सामने वो गुलूकार आ रही है जिसने थोड़े चंद महीनों पहले गाने में लगातार 16 घंटे गाने के बाद एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड किया है।
इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड किया है वो हमारे राजकोट की आन बन और शान है, क्योंकि ये प्लेबैक सिंगर है। काफी हिंदी फिल्मों में उसने, गुजराती फिल्मों में अपनी आवाज दी है, और गुलशन कुमार की वर्ल्ड फेमस टी सीरीज में भी वो अपनी आवाज देती रही है और देती आई है, और क्लासिकल गाने बहुत ही अच्छे ये गाती है, और मजे की बात कि वो अपना क्लासेस भी चलाती है गाने के सीखने के लिए। अगर आपको सीखना है तो इसका कॉन्टेक्ट आपकी जोरदार तालियों के बीच में प्रेजेंट करने जा रहा हूं, डॉक्टर किंजल परमार जी को। गाना इसने चुना है, मुझे पता नहीं है। कोशिश करके देख ले दरिया सारे नदियां सारी दिल की लगी नहीं बुझती बुझती है जवान होकर बदनाम हम हुए जिसमें जवान होकर बदनाम हम हुए उस शहर उस गली उस घर को सलाम जिसने हमें मिलाया जिसने जुदा किया उस वक्त उस घड़ी उस गजर Oh,
दोस्तों इस गाने में शुरुआत में जो जेंट्स वॉइस था वो शायद आपको पता होगा या ना होगा, मैं बता दूं, अनूप जलोटा जी ने शुरुआत में वो गाना गाया था और बाद में लता जी ने उसमें साथ दिया था। और ये फिल्म एक दूजे के लिए से ये गाना लिया गया था, जो कि हमारे राजकोट में गैलेक्सी टॉकीज में रिलीज हुई थी और तकरीबन 2 साल चली थी। सुपर डुपर हिट फिल्म थी और कमल हसन की ये पहली हिंदी फिल्म थी जो इंट्रोड्यूस हुए थे। कमल हसन साउथ के बड़े सुपरस्टार है ये, लेकिन उनकी ये पहली फिल्म थी एक दूजे के लिए। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ यहाँ हमारे आदित्य सरीन सर से, जो कि वो कोऑर्डिनेटर ऑफ आत्मीय यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं। दिखने में जितना हैंडसम लगता है सर, गाना ही उसने ऐसा ही चुना है। जय स्वामीनारायण। कुमार शानू जी की आवाज है और अगेन जतिन ललित जी का संगीत है। अजय देवगन वीरुगन मशीन गन और काजल जी पे ये फिल्म आ गया गाना, अनिस बज्मी का डायरेक्शन और फिल्म का नाम बहुत ही प्यारा है, प्यार तो होना ही था। सर एक बात बता दूं आपको मैं, जब प्यार किसी से होता है ना तो खर्चा बहुत होता है। सही बात है, सही है। आइए ये प्यारा सा गाना सुनते हैं। हेलो, गाना की शब्द देखो क्या बात है सर, जब किसी की तरह दिल झुकने लगे, क्या बात है सर, अगर झुक जाए तो मुझे बोल देना। जब किसी की तरफ दिल झुकने लगे, बात आकर जुबां तक रुकने लगे, आंखों आंखों में इकरार होने लगे, बोल दो कर तुम्हें प्यार होने लगे, होने लगे, होने लगे। किसी की तरफ दिल झुकने लगे, बात आकर जुबां तक रुकने लगे, आंखों आंखों में इकरार होने लगे, बोल दो कर तुम्हें प्यार होने लगे, होने लगे, होने लगे। जब लगे दिल किसी की खुशी, दिल लगी ये नहीं ये है दिल की लगी, आंधियों को दबाने से क्या फायदा, प्यार दिल में छुपाने से क्या फायदा, जात प्यारा जब दिलदार होने लगे, बोल तो कर तुम्हें प्यार होने लगे, होने लगे, होने लगे।
लगे होने लगे बात है भाई, प्यार तो होना ही था। मित्रों, समाज में घना बदा प्रकार नो दान देवामां आवे अने दान नो पुण्य आपने घणु बधु मळे। कोई अनुदान आपे, कोई गुप्त दान आपे। हमणा एक भाई मने कोरोना माटे कोरोना वक्त दान आपेलू। मने के साहेब चेक लई जाओ 5 लाख रुपया। હું લઈ આવ્યો, ઘરે આવ્યા પછી જોયું તો એમાં સાઇન નહોતી, એટલે હું પાછો ગયો. મેં, સર તમે દાન આપ્યું બરોબર છે, ઇટ ઇઝ વેરી ગુડ, 5 લાખ રૂપિયા આપ્યા, પણ નીચે સાઇન તો કરો. મન કે ના થાય. મન કે કેમ? મન કે આ ગુપ્ત દાન છે. અને એવું જ દાન હું અહીંયા જે મારા વડીલ મિત્રો બેઠા છે એમની પાસેથી લેવા માગું છું. અને એ છે તમારી જગ્યાનું દાન. તમારા બાળકોને જો તમે તમારા ખોળામાં લઈ શકો તો એ જગ્યા પર તમે કોકને બેસાડી શકો, કારણ કે પાછળ ઘણા બધા ઊભા છે. તો એ જગ્યાનું દાન જો કરી શકો તો આપણે કોઈકને એમાં સમાવેશ કરી શકીએ. તો તમારા વહાલા બાળકોને જો તમે ખમી શકો તો તમારા ખોળામાં લઈ લો. નેક્સ્ટ સોંગ કે લીએ મેં રિક્વેસ્ટ કરૂંગા રીના ગોસ્વામીજી સે, જો કે શી ઇઝ અ ટીચર SVM ગુજરાતી મીડિયમ સે જોડે હુએ હે. ગાના ચુના હૈ બડા પ્યારા સા ગાના હૈ, આપકી નજરોને સમજા પ્યાર કે કાબિલ મુજે, યાની કે માલા સિંહા ઓર ધર્મેન્દ્રજી કે પર વો ફિલ્મ આ ગયા થા, બલરાજ સહની ઓર શશિકલા ભી ઉસ ફિલ્મ મેં થી. ફિલ્મ કા નામ મેં પઢ નહીં સકતા, फिल्म का नाम मैं पढ़ नहीं सकता क्योंकि फिल्म का नाम है अनपढ़. Yeah.
दोस्तों इस गाने के लिए मैं क्विज अगेन आपको देता हूं, इस फिल्म के संगीतकार कौन थे? जिसको भी पता है जरा हाथ उठा के बोलिए सर जी। मदन मोहन, सबसे पहले किसने जवाब दिया? आ जाओ सर, आपको इनाम देते हैं। सही बात है, मदन मोहन साहब ने। मदन मोहन साहब के लिए दो बातें मैं आपको बता दूं। जब ये गाना कंपोज हुआ, मदन मोहन वैसे आर्मी से जुड़े हुए थे, ब्रिगेडियर थे लश्कर में मदन मोहन साहब, और बाद में उसने म्यूजिक देना शुरू किया। आप सोच तो सकते हैं, आर्मी के आदमी और उसने म्यूजिक देना शुरू किया। लता मंगेशकर जी कहती है कि मदन मोहन का गाना अगर गाना है तो ये बहुत कठिन चीज है, क्योंकि वो इतने जबरदस्त म्यूजिक डायरेक्टर थे। नौशाद जी भी उतने ही जबरदस्त कलाकार थे, लेकिन मदन मोहन की दो कृति ऐसी थी कि नौशाद जी ने कह दिया कि मदन जी तुम ये मुझे दो गाना दे दो, मैं पूरा म्यूजिक तुम्हें दे देता हूं, मेरा पूरा जो भी म्यूजिक का पूरा लाइफ है वो तुम्हें देता हूं। ये दो गजल थी, एक ये आपकी नजरों ने समझा, और दूसरा गाना था रस्म उल्फत, जो कि मदन मोहन जी ने बनाया था। ऐसे हमारे ये जबरदस्त कलाकार थे मदन मोहन जी। सही जवाब दिया है। नाउ आई रिक्वेस्ट टू खुशबू पटेल जी, जो कि इंग्लिश के टीचर है और ASVM में CBSE में वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और दूसरे अर्चना जी रावत को भी मैं दावत दूंगा, वो भी हमारे टीचर है ASVM के। ये दोनों कुछ अजीब करने जा रहे हैं यहाँ। अजीब इसीलिए कि गाना सोलो है, ये दोनों ड्यूएट में गा रहे हैं, इसीलिए वो कुछ अजीब करने जा रहे हैं। फिल्म में राजकुमार और मीना कुमारी जी थी, नादिरा थी, और ताज्जुब की बात आप सबको लिए कि हेलन इस फिल्म से इंट्रोड्यूस हुई। संगीत दिया था शंकर जयकिशन ने, लिखा था शैलेंद्र ने, और गीत के बोल है ये दोनों अजीब कर रहे, इसलिए अजीब दास्तां है ये। जय स्वामी नारायण एवरीवन। Thank you.
चलो इस गाने में आपको एक क्विज देता हूं, ये गाना और किसने गाया है, दो सिंगर ने गाया है, दोनों का सही जवाब होना चाहिए क्योंकि एक वर्जन इंग्लिश में है। तो पहला नाम किसी को पता है? बच्चन साहब ने गाया, ये तो पता है मुझे, सबको पता है, ये भी पता है मुझे बच्चन साहब ने गाया, लेकिन दूसरा जो वर्जन इंग्लिश में है वो किसने गाया पता है? गूगल मत खोलना यार। अगर किसी को पता है तो बता दे, क्योंकि ये गाना इंग्लिश वर्जन में भी हुआ है। ठीक है कोई बात नहीं, मैं बता देता हूं और मैं ही गिफ्ट ले जाता हूं। अच्छा कोई हाथ ऊंचो कर रहे हो तो ओके। इंग्लिश वर्जन में गाना गाया है क्लिटन सिरिजो, जो कि बहुत बड़े सिंगर है, उसने ये गाना अपने इंग्लिश वर्जन में गाया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और धवल सर से मैं दावत देता हूं, वो फिर से स्टेज पे आए और वो एक गाना लेकर आ रहे हैं। वैसे ये गाने का वर्जन हमने सुना है हमारे हिंदी में, ये भी गाना हिंदी में, लेकिन महेश भट्ट ने अपनी फिल्म में ये गाना का पूरा कॉपी किया है। ओरिजिनल ये गाना पाकिस्तान की फिल्म जल से लिया गया था, ये ओरिजिनल सिंगर वही है, लेकिन यहां हमारे महेश भट्ट ने यहां ये गाना चोरी करके अपनी फिल्म में लिया है। गाने के शब्द है वो लम्हे, आइए सुनते हैं ओरिजिनल गाना हमारे प्यारे से धवल सर की आवाज में। वो Whoa, whoa, whoa.
जानू हो ना तो जाने हो कैसा है ये हाल कोई न जाने फिर क्यों है ये तन्हाई कैसी है ये रुसवाई तुम हो गए क्यों हो गए हम हे वो लम्हे सागर के इन लहरों से गहरा है मेरा सहराओं की हवाओं में कैसे आएगी बहार फिर क्यों है ये तन्हाई कैसी है ये रुसवाई तुम हो गए खो गए हम है वो लम्हे वो बातें कोई न जाने की कैसी रातें हो बरसाते हैं वो भीगी भीगी यादें हैं वो भीगी भीगी यादें हो या तूफान हो मेरे मन में रहे तू सदा कोई अपना हो या पराया हो इसे ढूंढूं मैं कहां फिर क्यों है ये तन्हाई कैसी है ये रुसवाई गुम हो गए हो गए हम है वो लम्हे वो रातें कोई न जाने दी कैसी बातें वो हो बरसा दे वो भीगी भीगी यादें हैं वो भीगी भीगी यादें हैं वो तो ऐसा लगता है कि ओरिजिनल सिंगर से अच्छा इसने गाया है जरा जोरदार तालियां हो जाए हमारे धवल सर के लिए गुजराती में आवे थोड़ो कही दो मित्रों खरेखर मजा आवे छे तो जोरदार ताली वाड़ो तो एक बार अने आ ताली जे लोग आ सरस मजानु आयोजन कर्यु छे ने एना माटे कारण के बहुज ओछी संस्थाओं में आ पारिवारिक आयोजन थतु होय छे अने हमणा ज अमारे बधाने चर्चा थती हती त्यारे अमे बधाए एवुं नक्की कर्युं के आपणे एक वखत स्वस्तिक दीदीने ने कोठारी सर ने कहीए के सर अने दीदी बे त्रण महीने जो आवुं आयोजन करो
તો બધાને મજા આવે. શું કહો છો તમે? આમ નહીં, જોરદાર જવાબ જોઈએ તો હું હજી કંઈક રિક્વેસ્ટ કરું એમને. જોરદાર તાળીઓ જોઈએ, આમ ન ચાલે. જો ખરેખર આવું એન્જોયમેન્ટ કરવું હોય તો. સર હવે બોલ, તમારા પાર્ટમાં છે. નાવ યુ થિંકિંગ? ઓકે, નાવ વી ગો અહેડ. એક પારિવારિક ફિલ્મ ઘણા વખત પહેલાં આવેલી, મનોજ કુમાર, નંદા અને જયા ભાદુરી એમાં હતા. ફિલ્મ કા નામ શોર થા, લેકિન કાફી સાયલન્ટ ફિલ્મ થી. સંગીતકાર લક્ષ્મીકાંત પ્યારેલાલ થે ઓર ગાના મુકેશજી ઓર લતાજીને ગાયા હૈ. યહાં મેં દાવત દુંગા વૈશાલી વ્યાસજી કો કે વો યે પ્યારા સા ગાના પેશ કરે. कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना है, जीवन का मतलब तो
एक अहीं नानकड़ी बात करी दईए दीपक सर जे अत्यारे आपणो खूब सारू अनाउंसमेंट करे छे अत्यारे सॉन्ग पण गायू आपने शू लागे छे एमणे केटली प्रेक्टिस करी हशे फ्राइडे बपोरे एमना फाधर ने पेरालिसिसनो एटेक हॉस्पिटलाइज गई काले એમનું ઓપરેશન સક્સેસફુલ થયું પણ સરે હોસ્પિટલમાં રહીને આની સ્ક્રિપ્ટ લખી અને એવું કીધું કે અહીંયા તો આ પ્રોગ્રામ તો મારે જ કરવો છે ને સક્સેસફુલ જ કરવો છે તો સર માટે ખૂબ સરસ તાળી થેન્ક યુ સર એકચ્યુઅલી એવું હતું કે પપ્પાને ડાબા પગમાં બ્લડ સર્ક્યુલેટેડનો પ્રોબ્લેમ થઈ ગયો એટલે ડૉક્ટરે એવું કહ્યું કે ઓન ધી સ્પોટ દાખલ થઈ જાઓ અધરવાઇઝ કાં તો પેરેલિસિસ થવાની શક્યતા છે અથવા તો બ્રેઇન સ્ટ્રોક થશે એટલે કે ઓન ધી સ્પોટ પપ્પા એક્સપર્ટ થઈ જાય અથવા તો પગમાં ગેંગ્રીન થશે તો તમારે પગ ગોઠણેથી કપાવવો પડશે કોઈ ચાન્સ નહોતા ડૉક્ટરે કીધું કે અત્યારે જ એડમિટ થઈ જાઓ વિચારતા નહીં અને અમે ઓન ધી સ્પોટ વોકાડમાં દાખલ થયા અને ઠાકોરજીની કૃપા ત્યાં ગુલાબ સ્વામીના આશીર્વાદ હરિપ્રસાદ સ્વામીના આશીર્વાદ બધા સંતોના અને વડીલોના આશીર્વાદથી આમાંથી કાંઈ જ ન થયું અને ગઈકાલે સક્સેસફુલી ઓપરેશન 2-2.5 કલાક ચાલ્યું અને પૂરું થયું નાવ માય ફાધર ઇઝ વેરી ફેન્ટાસ્ટિક પોઝિશન અને અત્યારે હવે ખાલી ઓબ્ઝર્વેશનમાં છે અને કદાચ કાલે સાંજે અમને રિલીવ કરશે વોકાર્ડમાંથી પણ એ બધા તમારા બધાના બ્લેસિંગ્સ અને ઉપરવાળાના આશીર્વાદથી થેન્ક યુ સર Now I request to Disha Didi. वो एक अलग सा गाना लेकर आ रहे हैं पता नहीं गाने का शब्द कुछ ऐसा है चांदलियो बस मने एटली ज खबर छे हवे चांदो होगियो चौक में छे के चांदलियो बीजो छे सांभळी एमनी पासेथी आ सरस मजानो कम्पोजिशन બહુ લાંબુ ગીત હતું ઓકે નાવ આઈ રિક્વેસ્ટ ટુ અગેઇન
अर्चना रावत जी से कि वो एक प्यारा सा गाना लेकर आ रहे हैं. गीत के शब्द बहुत अच्छे हैं, दिल दीवाना बीन सजना के माने ना. फिल्म चुनी है मैंने प्यार किया और सलमान खान और पहली बार इंट्रोड्यूस हुई भाग्यश्री इस फिल्म में. इस फिल्म का क्विज मैं बाद में दूंगा, लेकिन पहले ये गाना सुनते हैं अर्चना जी की आवाज में. Thank you.
मैंने प्यार किया, मैंने प्यार क्यों किया, दिल दिया दर्द लिया ऐसा क्यों किया। इस गाने के क्विज में आपको देता हूं, ये फिल्म का म्यूजिक किसने दिया था? नहीं, वो तो रामायण में थे। यस, बे जने सातो जवाब आई पोचे बे हम जी ले सुन। एनीवे स्वस्थ दीदी के पास आ जाइए, आपको गिफ्ट मिल रही है। परफेक्ट आंसर, राम लक्ष्मण जी ने इसका म्यूजिक दिया था। अगला गाना गाने के लिए मैं दावत दे रहा हूं दिशा दीदी और जिग्नेश सर को। बड़ा प्यारा सा गाना चुना है, एक दिन आप यूं ही हमको, क्या बात है। हेलो 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 બે જણે જવાબ આપ્યો સર, એક આ યલો ટી શર્ટ સરજી આવી જાઓ, તમે સાચો જવાબ આપ્યો હતો ને, રામ લક્ષ્મણ યા આવી ગયા, અને બીજા એક પાછળથી કોઈ આપ્યો હતો, ઓકે ઓકે ઓકે। इतनी होगी हंसी झूमेगा आसमां गाएगी ये जमीं, एक दिन जिंदगी इतनी होगी हंसी झूमेगा आसमां गाएगी ये जमीं, मैंने सोचा न था। जगमगाती हुई जागती रात है या सितारों की बारात है। जिंदगी
હવે પછીનું જે સોંગ લઈને આવી રહ્યા છે આપણા કલાકાર એ બીજું કોઈ નહીં પણ અત્યાર સુધી જે એન્કરિંગમાં આપે જેમને જોયા મિસ્ટર દીપક જોશી એ હવે સોલો સોંગ લઈને આપની સમક્ષ રજૂ થઈ રહ્યા છે. ને દીપક સર, આપણે આત્મીય સ્કૂલમાં કોમર્સ ફેકલ્ટીમાં સેવા આપે છે અને પ્રોફેશનલી રિધમિસ્ટ છે. ઓલ ટાઈપ ઓફ મ્યુઝિકલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ્સ, તબલા, ઢોલક, કોંગો, બધા ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ એકદમ સરસ રીતે પ્લે કરે છે, એન્કર છે, સિંગર છે, વર્સેટાઇલ પર્સનાલિટી મિસ્ટર દીપક. કોશિશ કરું છું. દિલ મેં હો તુમ, આંખો મેં તુમ, બોલો તુમ્હેં કૈસે ચાહું. દિલ મેં હો તુમ, આંખો મેં તુમ, બોલો તુમ્હેં કૈસે ચાહું. પૂજા કરું, સજદા કરું, જૈસે કહો વૈસે ચાહું. જાને જાન જાનુ Thank you.
मेरी जानू जाने जान जानू ઘરે નથી ગાઈ શકતો નેક્સ્ટ સોંગ આઈ રિક્વેસ્ટ ટુ જિગર સર મેં કોઈ એસા ગીત ગાઉં સર એસા હી ગીત ગાના જી 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 कोई ऐसा गीत गाओ के आरज़ू जगाओ मैं कोई ऐसा गीत गाओ के आरज़ू जगाओ अगर तुम कहो
ગીત ગા કે આરઝુ જગા અગર તમ કહો મેં કોઈ એસા ગીત ગા કે આરઝુ જગા અગર તમ કહો તુમકો બુલાઉં યે પલ કે બિછાઉં કદમ તુમ જહાં જહાં રખો જમીન કો આસમાં બનાઉં સિતારો સે સજાઉં અગર यस बॉस फिल्म का ये गाना था, अभिजीत ने गाया था, अभिजीत भट्टाचार्य। और सर ने भी वैसे ही बहुत ही बाखूबी निभाया है अपनी आवाज़ में। जितने भी लोग बैठे हैं उनसे एक बात कह दूँ कि अब सिर्फ दो ही गाने बाकी है, तो ज़रा दिल थाम कर बैठिए क्योंकि अगला जो गाना आ रहा है, हाँ नहीं सबको मिलेगा भोजन, चिंता मत करना, क्योंकि अगला जो गाना आ रहा है वो सुपर डुपर हिट गाना है। मैं गाना तो नहीं बोलूँगा लेकिन दावत दूंगा मैं खुशबू दीदी को। गाना चुना है, बहुत पुरानी फिल्म है, 1940 की ये फिल्म है। गाना सुनिए। Thank you.
करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, ये डोन फिल्म का गाना था। अगला गाना पेश करें जो लास्ट सॉन्ग है, वो पेश करने आ रहे डॉक्टर फाल्गुनी परसाना जी, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर पीएचडी का गाइड है, और उसका साथ निभाने के लिए आ रहे हैं आदित्य सर। और गाना चुना है उसने, क्या बात है, मदहोश दिल की धड़कन। Check, check, check.
मदहोश दिल की धड़कन चुप थी ये तन्हाई मदहोश दिल की धड़कन चुप थी ये तन्हाई चुप गया चांद क्यों क्या तेरी जुल्फ लहराई મિત્રો. ફરીથી એક વસ્તુ કે આ બધા જ ગાયક કલાકારો કોઈ પ્રોફેશનલ નથી, પણ સમય મળીએ તૈયારી કરી છે, એમને આપણે જરા જોરદાર તાળી પાડી દઈએ.
કારણ કે એકદમ વ્યસ્ત પોતા કિંજલ દીદીનો કે એમણે પણ આ બધાને સરસ મજાનો સપોર્ટ કર્યો છે અને આટલા તૈયાર કર્યા છે. નાવ આઈ રિક્વેસ્ટ ટુ વેરી રિસ્પેક્ટેડ શીલા દીદી કે એ આપણને કંઈક બે શબ્દો સરસ મજાના કહે. ભાઈઓ ઓર બહેનો મજામાં? યે તીન ઘંટે મેં સબકે ફેસ મેં ઓનલી સ્માઈલ, સો વી કેન અન્ડરસ્ટેન્ડ દેટ યુ હેવ એન્જોયડ યોર સેલ્સ. ચેસ તો ખાલી હૈ લેકિન સબ મિસ કર લિયા હૈ. એન્ડ યહાં પે આપ આજ દેખા હૈ કે સભી કે ફેસ મેં સ્માઈલ્સ હૈ ઓર મૌસમી જી આપકે ફેસ મેં આજ હી મેને દેખા હૈ સ્માઈલ. ઇટ વોઝ વન્ડરફુલ. નાઉ યુ આર લાફિંગ ઓલ્સો, ઇટ્સ વન્ડરફુલ. યહાં પે આપને દેખા હૈ કે ફુલ ટ્રાન્સડિસિપ્લિનરી નેચર હો ગયા હૈ, ટ્રાન્સ ઇન્સ્ટિટ્યુશનલ નેચર ભી હો ગયા હૈ. માઇક્રોબાયોલોજી વિથ કમ્પ્યુટર સાયન્સ, માઇક્રોબાયોલોજી વિથ ટ્રિપલ ઈ ઇલેક્ટ્રિકલ વગેરે વગેરે. એન્ડ મેં મેરા સ્પીચ અભી આપકે ડિનર કે બીચ મેં હૈ, ફિર ભી યે આત્મીય ટેલેન્ટ શો હૈ યા આત્મીય રેટ્રો શો હૈ મુજે માલુમ નહીં હૈ. એક્સેપ્ટ ફોર આત્મીય રેટ્રો શો, એક્સેપ્ટ ફોર ડી ડી એસ જે, નોટ ડી ડી એલ જે. આપકો સબકો ડી ડી એલ જે માલુમ હૈ, બટ આઈ ઓલ્સો કેન ગીવ અ ક્વિઝ. This was a retro show except for DDSJ. I will give you a prize. Prize hai na? Theek hai. Bataiye, it was a retro show except for DDSJ. Kaun batayenge? At least a singer should know. Singers can also get a prize. Nahi? Deepak Dhawal સરીન જિગર, ઇન ચારોં કા ગાના રેટ્રો નહીં થા, ઇટ વોઝ મોર મોડર્ન. કરેક્ટ? યસ. આપકો ભી નહીં માલુમ થા આન્સર, તો મુજે મિલેગા વો પ્રાઇઝ. પ્લીઝ. તો 14 સિંગર્સ, 20 સોંગ્સ. આશીષજી હૈ યહાં પે? ઇફ યુ હેડ કોલ્ડ 14 commercial professional singers for 20 songs, how much would you have paid? Boliye, jaldi. Aapko malum nahi hai? Haan? Toh abhi hume sab entertainment free mil gaya hai. And Sarin ji, through EUVA and Director Research, Innovation and Translation, kya hum આત્મીય ઓર્કેસ્ટ્રા કા સ્ટાર્ટઅપ કર સકતે હૈ એન્ડ મેક ઇટ કમર્શિયલ? ઇટ ઇઝ ઓલ ઓફ ધેમ વર પ્રોફેશનલ્સ એન્ડ ઇટ વોઝ અ વન્ડરફુલ શો રાઇટ ફ્રોમ ધી વેલકમ બાય વશિષ્ઠજી ઇન હિન્દી એન્ડ સંસ્કૃત ટુ ધી એન્કરિંગ ઓફ દીપકજી એન્ડ ટુ ઓલ ધ પ્રોફેશનલ સિંગર્સ. ઓર આપકા પ્રોફેશનલિઝમ નહીં આયેગા ઇફ ધી ઓડિયન્સ વોઝ નોટ cooperative and enjoying it. So wish you all the very best, or let's have our fun over dinner and interact with our family members. Thank you so much. આપકી મધુરતમ વાણી કે લીએ ધન્યવાદ મહોદય. મુજે યહાં પર બેઠે હુએ ગાયકો કે લીએ, યા ગાયકો કો તો આજ કે દિન કે લીએ હી હૈ ના, વરના તો સભી શિક્ષક એવં પ્રશિક્ષક ગણો કે લીએ ચંદ પંક્તિયાં યાદ આ રહી હૈ. કહેતે હૈ કે હો છવિ તુમ ઇસ સદી કી, વ્યર્થ ના મહાન હો, સોચ કો મંઝર બનાતે ક્રિસ્ટોફર નોલાન હો.
जब नजर में सबकी फनकारी पे कोहरा छा गया, जो किया ब्रह्मांड ने तुम वह नया ऐलान हो। हो कथा इतिहास की या मान भय और स्वार्थ की, एक अलग आयाम को तुम दे रहे अंजाम हो। यूं तिमिर में धस रहे लेकर सभी अज्ञान को, विश्व को रोशन करे जो वह बुलंद फैजान हो। हो छवि तुम इस सदी की व्यर्थ ना महान हो, सोच को मंजर बनाते क्रिस्टोफर नोलान हो। आभार। साथ ही आप सभी लोग, जिन जिन लोगों ने हमें समय दिया, प्रोफेसर शीला रामचंद्रन जी, प्रो चांसलर ऑफ आत्मी यूनिवर्सिटी, डॉक्टर शिव त्रिपाठी, डॉक्टर के डी लाडवा सर, डॉक्टर डी डी व्यास, डॉक्टर आशीष सर कोठारी, डॉक्टर हितेंद्र तोंगा, डॉक्टर यज्ञेश शुक्ला, डॉक्टर मनहर कगथरा, डॉक्टर एच एम टांग एंड डॉक्टर डी जी आचार्य सर, आप सभी लोगों का धन्यवाद। के साथ साथ पूजा स्वस्तिक दीदी, बैक स्टेज सेवा के लिए हरेश भाई, स्टेज डेकोरेशन जो इतना सुंदर किया हुआ है वह श्रेय जाता है पूजा साहसिक दीदी एवं सेवा प्रिय दीदी को। साउंड सिस्टम में है अंकित त्रिवेदी जी, कंप्यूटर ऑपरेटिंग में डॉक्टर रूपल काछेड़िया एवं सुज्ञा श्री मीरा शाह, भोजन व्यवस्था संभाल रहे हैं श्री दोंगा सर, स्टूडेंट वॉलेंटियर टीम आत्मीय विश्वविद्यालय। चूँकि यहाँ हम सभी लोग अपने अपने परिवारों के साथ यह कार्यक्रम को एंजॉय कर सके, इसलिए पूरी जो जिम्मेवारी थी वह हमारे आत्मीय के छात्रों ने ले ली है, हम उन्हें भी धन्यवाद करते हैं। वीडियो एवं फोटोग्राफी में विजय भाई एवं संजय भाई का भी धन्यवाद। आप सभी लोग जो जो भी यहाँ पर पधारे हैं, अपने उत्तम समय को दिए हैं, हम सभी लोगों का धन्यवाद करते हैं। जुड़े रहिए हमारी आत्मीय के साथ, चूँकि आप लोगों से ही तो बनता है आत्मीय परिवार। धन्यवाद एक बार फिर से। परम पूज्य श्री प्रेम स्वरूप स्वामी जी के चरणों को याद करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी लोगों के हृदय में विराज श्री जी महाराज को दास वशिष्ठ प्रणाम करता है। थैंक यू सर। मैडम आपने कहूं के 16 सिंगर्स त्रण कलाकनो पावर पेक्ड प्रोग्राम केटलामां पड़े, आत्मीयमां होय तो आत्मीयताथी पड़े एटलू थाय। खास आ प्रोग्राम ने सक्सेसफुल बनावा माटे सिंगर्स जेटला लोको अहींया बैठा छे, आपणे थोड़ो विचार करिए तो बधाने लेक्चर्स होय, बधाने लेबोरेटरी होय, बधाईने टीचिंग आर्स होय, टीचिंग लोड होय, पण छता जन्माष्टमीना वेकेशनना बे दिवस पहेला आ प्रोग्राम नक्की थयो। जन्माष्टमीना वेकेशनमां आ लोको एवुं नक्की करीन गया के अमे घरे प्रेक्टिस करशुं। जन्माष्टमीनुं वेकेशन प्रेक्टिस कर्युं अने रोज पोतानो लोड पूरो करीने ओवर टाइम करीने प्रेक्टिस करी, तो आ बधा ज सिंगर्स माटे एक खूब जोरदार तालियो थई गई। आ बधा सिंगर्स माटे एक नानकडू एवू आत्मीय तरफथी नानकडी एवी गिफ्ट हूँ किशोरभाई मावदिया, वाइस चांसलर शिव त्रिपाठी सर अने प्रो चांसलर मैडम ने रिक्वेस्ट करीश के वन बाय वन एमने हूँ नाम आपूँ। तो पहला प्रो चांसलर मैडम ने आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट प्रो चांसलर मैडम टू काइंडली ग्रीट डॉक्टर मंथन जोशी सर। तालियो पड़ती रहेवी जोईए। मंथन जोशी सर, थैंक यू सर। मैडम ने रिक्वेस्ट करूँ, मैम वैशाली, वैशाली दीदी ने ग्रीट करें। वैशाली दीदी, वैशाली वाघेला फ्रॉम कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। वुड लाइक टू रिक्वेस्ट मैडम टू ग्रीट मौसमी चटर्जी, मौसमी दास मैडम, थैंक यू मौसमी मैडम। वुड रिक्वेस्ट मैडम टू लास्टली ग्रीट धवल वोरा सर फ्रॉम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। धवल वोरा सर,
Thank you, sir. Now I would like to request Dr. Shiv Kumar Tripathi, sir, our Vice Chancellor, to greet the next. Professor Disha Ganatra, madam, from Computer Science and Information Technology Department. Thank you, ma'am. Aditya Sarin, ma'am. Aditya Sarin, sir, from the Department of EUA Center. Reena Didi, teacher from Atmiya School. Khushbu Patel, madam, English teacher from CBSC School. Thank you, madam. Archana Rawat, madam, from ASVM. Thank you, ma'am. Kishore Bhai Mavadiya ne request kariye. Jigar Ratnosa, sir. Universal human value ane aa baju singing. Jigar Ratnosa, sir. Music teacher, Hiren sir. Thank you, sir. Hiren sir. Deepak Joshi, sir, our anchor. Thank you, sir. Thank you very much. Dr. Falguni Parsana, madam, from Computer Science Department. And last but not the least, the overall coordinator of this particular event and who have taken the utmost care that this program would become very much successful, Dr. Kinjal Parmar. I would request Pro Chancellor Madam to kindly greet. So a huge round of applause for each and everyone who has contributed to make our own evening very melodious, very much remembrance. And one name, one very important name that I should not forget, Tyag Swamiji. Swamiji, ઘણા એટલે આમ લગભગ 3-4 વર્ષથી એમનું એવું સપનું હતું, પહેલેથી પણ હતું, પણ એમનું એવું સપનું હતું કે આત્મીય યુનિવર્સિટી બન્યા પછી આ કેમ્પસમાં આત્મીયનો પરિવાર ભેગો થાય, પરિવાર માટે કંઈક એવું ફંક્શન થાય કે જેમાં બધા લોકો સાથે એન્જોય કરી શકે. તો ત્યાગ સ્વામીજીની ખાસ આશીર્વાદથી આ થયું. અનફોર્ચ્યુનેટલી હી કુડ નોટ અટેન્ડ ધીસ પ્રોગ્રામ. હી હેઝ ગિવન ધ મેસેજ, આપણે બધાએ અહીંયા સાથે મળીને સાંભળ્યો, પણ એમની વાતને પૂરેપૂરું ઉપાડનારું, કે જે મેં આની પહેલાં પણ વાત કરી હતી કે એમણે કીધું હોય અને એક મિશન તરીકે ચાલ્યું હોય આપણી આખી સ્કૂલની ટીમ, અને ખાસ કરીને લેડ બાય સ્વસ્તિક દીદી. તો ધીસ પ્રોગ્રામ હેઝ બીકમ સક્સેસફુલ કારણ કે એમને એવું થયું કે આટલા ત્યાગ સ્વામીજી કહે અને આપણે ન થાય એવું કેવી રીતે. તો દેન ડિસિઝન વોઝ ટેકન બાય હર કે ના, હવે કરવો જ છે, અને ધ રિઝલ્ટ ઇઝ ઇન ફ્રન્ટ ઓફ ઓલ ઓફ અસ. એન્ડ ખાસ કરીને જેટલા પણ લોકો, આમ અમને એવું હતું કે કદાચ ઇવનિંગનો ટાઈમ રેગ્યુલર ટાઈમ છે તો ફેમિલી મેમ્બર્સ કેટલા આવશે, બટ દેન વી હેવ સીન દેટ ધ એન્ટાયર ઓડિટોરિયમમાં પણ અમે એવું જોયું કે કદાચ આપણે એક ઓડિટોરિયમમાં થઈ જાય, એટલે સીટ્સ ઘણી બધી નજીક રાખી અને લગભગ 700 સીટનું એરેન્જમેન્ટ કર્યું હતું, કીધું વધી જશે, પણ વધી નહીં, છેલ્લે ઘટી, અને આપણે એવું એનાઉન્સમેન્ટ કરવું પડ્યું કે દીકરા દીકરીઓને આપણે ખોડામાં લઈ લઈએ. તો ઓલ ધ ઓડિયન્સ હુ આર પ્રેઝન્ટ હિયર, બધા જ આત્મીયના ફેમિલી મેમ્બર, ફેકલ્ટી મેમ્બર, સ્ટાફ મેમ્બર અને એના ફેમિલી મેમ્બર, એ બધાનો ખૂબ ખૂબ થેન્ક યુ. Thank you very much.
हाँ, एक राजेंद्र सर खास अपने इमने बीजा ज सॉन्ग में सांभळा, एक खास अपना क्लास फोर ना भाई है, पण एटलू सरस सिंगिंग करे छे, अत्यारे उपस्थित नथी पण राजेंद्र सर पण आपणी वच्चे हता। थैंक यू बधाने। अने हाँ, ग्रुप फोटो आवी जाओ। और इस पूरे कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए और पूरी व्यवस्था संभालने के लिए श्री आशीष कोठारी सर, हम आपका भी धन्यवाद करते हैं। शुक्रिया सर। जीवन एक फूल, एने फोरम वंदु करिए, बीजाने फोरम धरिए। जीवन एक सरिता, एने सलील वंदु करिए, बीजाने अंजलि धरिए। जीवन एक ज्योति, एने ज्योतिर्मय करीने, बीजाने ज्योति धरिए। जीवन एक यात्रा, विराट यात्रा, एना यात्रा बरीने, बीजाने यात्री करिए। अनित्य संसार मां नित्य एक राम। राधे राधे कृष्णा, राधे राधे कृष्णा, अधर